रेडमी शाओमी या पोको डिवाइस का अगर आपको सभी एप्स में 120 हर्ट्ज को अनेबल करना है तो कैसे आप अनेबल कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक मारिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। 120 हर्ट्ज या 90 हर्ट्ज अगर आपका डिवाइस ऑफिशियली सपोर्ट करता है तो आप उसको कॉन्स्टेंटली अनेबल कर सकते हैं सभी डिवाइस में 120 हर्ट्ज या 90 हर्ट्ज। देख सकते हैं मैं आपका मी 11X यूज़ कर रहा हूँ जिसमें कि आपका MIUI 12.5 एनहांस लेटेस्ट बिल्ड है। और अगर आप जाएगा चेक करना है कि आपका डिवाइस क्या सपोर्ट करता है तो उसके लिए आपको जाना होगा डिस्प्ले में और उसके बाद आपको सर्च करना है रिफ्रेश रेट, तो आपको जो ये देखने को मिल जाएगा जो कि आपका डिवाइस अगर 120 सपोर्ट करता तो 120 देखने को मिलेगा, अगर आपका 90 करता तो 90 देखने को मिल जाएगा, या आपको तीनों देखने को मिल जाएगा 120, 90 और 60। तो आपको अगर यूट्यूब में जो है 120 अनेबल करना, जो कि आपका YouTube में बाय डिफॉल्ट जैसे आप स्विच कीजिएगा YouTube ऐप में, तो आपको जो है 60 हर्ट्ज देखने को मिलेगा जो कि आपको आपका 90 हर्ट्ज जो है काम नहीं करता वहाँ पे। तो उसमें आप कैसे अनेबल कर सकते हैं, तो उसके लिए बस आपको देखिए जैसे कि बाकी सब ऐप्स में आपको 120 काम करता है बट YouTube में जैसे स्विच कीजिए तो आपको 60 हर्ट्ज देखने को मिलता है। तो कैसे उसको आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितना हर्ट्ज देखने को मिल रहा है कौन सा ऐप में, तो उसके लिए आपको सिंपली जाना होगा आपका सेटिंग्स में, और सेटिंग्स पर जाने के बाद आप डायरेक्टली जो इसको अनेबल कर सकते हैं ऑप्शन या सेटिंग्स को। तो बस आप जाइए सेटिंग्स पे, सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको जाना होगा अबाउट फोन में, उसके बाद आपको MIUI वर्जन में 6 से 7 बार जो है टैप करना है। 6 से 7 बार जैसे आप टैप कीजिए तो आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि आपका डेवलपर ऑप्शन है, उसको अनेबल कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको जाना होगा डेवलपर ऑप्शन में, एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद, और उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा सो रिफ्रेश रेट जैसे आपको देखने को मिला उसको आप अनेबल कीजिए। अनेबल करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका जैसे आप फोन को यूज़ कर रहे तो आपको 120 हर्ट्ज देखने को मिल रहा है, जो कि आपको 120 देखने को मिल रहा है मतलब कि आपको 120 हर्ट्ज देखने को मिल जाता है, और जैसे आप उसको छोड़ेगा तो आपका 60 हर्ट्ज चल जाता है। बट आप देख सकते हैं जैसे आप YouTube में स्विच करते हैं आप में, तो आपको जो 60 हर्ट्ज देखने को मिलता है। तो अगर आपको ये 120 हर्ट्ज में चाहिए, आपका YouTube ऐप या जो भी ऐप आपका सपोर्ट नहीं करता 120, तो वो जो है आप अनेबल कर सकते। देख सकते हैं आपका Spotify भी जो है आपको 120 में देखने को मिल जाता, बट YouTube में आपको 60 हर्ट्ज देखने को मिलता है। बट इसको भी हम लोग आज करने वाले हैं 120 में, तो कैसे हो जाएगा वो आप जो है चेकआउट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आपका जो क्रोम में भी 120 काफ़ी स्मूथ जो एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, बट जैसे आप YouTube में स्विच कीजिएगा आपको फिर से जो है 60 हर्ट्ज में स्टक आपको जो है देखने को मिल जाएगा ये नंबर से रिफ्रेश रेट आपका। तो देखिए आपके सामने ये है, तो इसको अगर आपको अनेबल करना है 120 में ले जाना आपका YouTube आपको या जो भी सपोर्ट नहीं करता है, तो उसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर में। सिंपली आपको जाना प्ले स्टोर में, सर्च करना है सेट एडिट, जैसे आप सर्च कीजिएगा सेट एडिट तो आपको ये ऐप मिल जाएगा। सिंपली इसको डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करने में आपको जो 1-2 सेकंड लगे क्योंकि 94 KB का कितना बड़ा ऐप है जो कि आप सोच सकते हैं। तो सिंपली आप चाहिए उसको डाउनलोड कीजिए 94 KB का आपको सेट एडिट को, और सेट एडिट को डाउनलोड करने के बाद आप जो है बस ओपन कर लीजिए उस ऐप को और आपका जो है काम हो जाएगा तुरंत ही। तो बस सिंपली आप आपको ओपन कीजिए, ओपन करने के बाद आपको ओके करना होगा ऑप्शन को, ओके कर दीजिए। आपको वार्निंग देखने को मिले उसको आप पढ़ सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। तो फिर आपको देखना होगा आपका डिवाइस, दिस डिवाइस और आपका सिस्टम टूल्स, सिस्टम टेबल सेलेक्ट होना चाहिए, और फिर आपको सर्च करना है यूज़र रिफ्रेश रेट। जैसे आप सर्च कीजिएगा यूज़र रिफ्रेश रेट तो आपको जो वो सेटिंग्स मिल जाएगा। आपको नीचे बस यू ब्राउज करना है, नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है, देख सकते हैं आपको यूज़र रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। अगर आपका डिवाइस 90 हर्ट्ज सपोर्ट करता तो आपको 90 देखने को मिलेगा यूज़र रिफ्रेश रेट, अगर आपको 120 तो 120 देखने को मिल जाएगा, और अगर आपको 144 हर्ट्ज सपोर्ट करता है तो आपको 144 हर्ट्ज देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं मेरा अभी जो है YouTube 60 हर्ट्ज में, बट इसको आप जैसे टैप कीजिएगा यूज़र रिफ्रेश रेट में, फिर आपको एडिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, एडिट वैल्यू, उसमें आप जाइए और उसको बस वैल्यू को 1 करके सेव कर दीजिए। जैसे 1 करके सेव कीजिएगा तो आपका यूज़र रिफ्रेश रेट जितना भी था, जैसे कि 120 अगर आपका डिवाइस सपोर्ट करता तो आपका YouTube भी जो है 120 में चल जाएगा, या अगर आपका डिवाइस 90 हर्ट्ज सपोर्ट करता तो आपका YouTube ऐप जो है 90 हर्ट्ज में चल जाएगा। देख सकते हैं बस आपको जो एक नंबर चेंज करना, फिर आपको जो है कॉन्स्टेंट सभी ऐप में 120 हर्ट्ज देखने को मिलेगा। और अगर आपको नहीं चाहिए 120 हर्ट्ज YouTube और बाकी सब ऐप्स में जो कि सपोर्ट नहीं करता, तो फिर से आप जो है उसको एडिट करके 120 कर सकते हैं, और फिर आपका जो देख सकते हैं YouTube 60 हर्ट्ज में आ जाएगा। तो इससे आपका बैटरी थोड़ा बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा अगर आप YouTube या दूसरा ऐप यूज़ कर रहे हैं जो कि आपको 120 सपोर्ट नहीं करता था। बस और कुछ नहीं, और आपको कैसा लगा ये ट्रिक आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ट्रिक और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक मारिए। चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहा हो और आपको ऐसे सिमिलर वीडियोस या ऐसे भी इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स
वीडियो चाहिए तो उसके लिए आपको जो है वीडियो को लाइक करना होगा, वीडियो को लाइक मारिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को टैप कीजिए, नोटिफिकेशन कॉल में रखिए, हो सके इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, कुछ भी पूछना तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ कल कुछ से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय और मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।